नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग अपना NCL सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे। जो कैंडिडेट BC EBC से बिलोंग करते हैं वो अपना NCL सर्टिफिकेट किस तरह से बना पाएंगे, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि NCL का फुल फॉर्म होता है नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बता देते हैं कि किस तरह से आप लोग अपना नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि NCL बोलते हैं, वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि NCL सर्टिफिकेट बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, जाति, आवासीय आय पहले से बना होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग को बता देता हूँ, एक शपथ पत्र होता है, जो कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ शपथ पत्र का, आप लोग वहाँ से जाके शपथ पत्र डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो भी जानकारी मांगा गया वो सारा चीज़ फिलअप करके आप लोग उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। वो भी जो भी डॉक्यूमेंट है, जाति, आवासीय आय और शपथ पत्र और आधार कार्ड, वो सभी डॉक्यूमेंट 200 KB से कम ही रखना है JPG फाइल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से NCL सर्टिफिकेट को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग। ओके, सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस वाला आइकन पे, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिलेगा नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। ओके, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग अपना जो नन क्रीमी लेयर है अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं या अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो चलिए मैं यहाँ पे अंचल स्तर से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अंचल स्तर पे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है वो पूरा जानकारी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग, जो कि BC कैंडिडेट होते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट होते हैं EBC, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। ओके, तो जो EBC और BC कैंडिडेट हैं वही NCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, जो कि नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अभी जो ज़्यादा करके बिहार SSC का फॉर्म जो आया है उसमें नन क्रीमी लेयर जो है सो मांगा गया है, तो जो EBC और BC कैंडिडेट हैं वो अपना NCL सर्टिफिकेट यहां से बना के, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं इसमें सारा प्रोसेस कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से NCL सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आवेदन फॉर्म खुल चुका है कि आप लोग NCL सर्टिफिकेट जो है सो किस तरह से आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स फॉर्म ओपन हो चुका है, बारीकी से मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल मांगा गया है, तो जनरल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो अगर मेल हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पुरुष वाले पे, टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही टिक आउट पे क्लिक करेंगे, जैसे पुरुष पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभिवादन में अगर श्री लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, नो सोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, एप्लीकेंट नेम जो भी आपका सर्टिफिकेट में नाम है वो, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके मार्कशीट में है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर नहीं डालना, उसको छोड़ देना। ओके, मैंडेटरी नहीं आई। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे अस्थायी पता यानी कि परमानेंट पता जो है आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है स्टेट। उसके बाद यहाँ पे जिला आपका जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके यहाँ पे प्रखंड आपका अंचल यानी ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका गाँव का नाम है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना वार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे थाना यानी कि पुलिस स्टेशन अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ यानी डाकघर कहाँ है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग नंबर ये सब छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ स्थानीय निकाय का प्रकार। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण पंचायत से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे टिक आउट करेंगे। ओके, अगर आप नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नगर निगम पे। अगर नगर परिषद पे, अगर नगर परिषद से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नगर परिषद पे टिक आउट करेंगे। अगर नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नगर पंचायत पे टिक आउट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नगर पंचायत से बिलोंग करता हूँ तो इस पर टिक आउट किया। ओके,
उसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ग्रामीण ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, अस्थाई पता यहाँ पे टेम्प्रोरी एड्रेस जो आपका है वो ऊपर जैसा जो सेम है वही है, तो यहाँ पे ऊपर जैसा यहाँ पे सेम एज एवब पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, तो जो आपका आपका ऊपर में एड्रेस यहाँ पे टाइप किए हैं वो सारा एड्रेस यहाँ पे मूव होके चलाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना धर्म यानी कि जो आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड जो है आपका वो ऑटोमेटिक ऊपर से सिलेक्ट होके आ जाएगा नीचे, ओके। यहाँ पे जब टिक आउट करेंगे, ओके, यहाँ पे टिक आउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जैसे पे जैसे यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो यहाँ पे पिन कोड भी आ जाएगा। सिंपली से आपको यहाँ पे अपना हिंदू, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी हैं धर्म यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके नीचे आएंगे, अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो अत्यंत पिछड़ा है या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अपने कास्ट, अपना जाति जो है कानू है मुस्लिम कानू है या बनिया है जो भी हैं यहाँ पे अपना या मलाह हैं बधी हैं जो भी हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका उपजाति है तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जाति यहाँ पे जैसे तो जाति का जो कोड होगा सीरियल नंबर वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे देंगे ऑक्यूपेशन यानी कि आपका पैसा क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद चले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम जो भी आपका फादर्स नेम है सर्टिफिकेट में वो यहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी में यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हस्बैंड नेम यहाँ पे छोड़ देंगे, अगर कोई अगर शादीशुदा लड़की अपना आवेदन कर रहे हैं ससुराल के पते से तो यहाँ पे पति का भी नाम डालेंगे इधर इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे, यहाँ पे हिंदी में, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्योंकि उस पर मैसेज भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अपना यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, नीचे डायरेक्टली यहाँ पे आना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाना डायरेक्टली, ऊपर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो आपका जो है सो एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देख सकते फ्रेंड्स आए झौ जो है यहाँ पे आए यहीं से भरेंगे आप लोग नीचे, ओके। उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना ऊपर में, ओके। नौकरी से आए यहाँ पे क्या करेंगे, 00 डाल देंगे, ओके। मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से करना है, यहाँ पे 00 डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय का आय जो भी है यहाँ पे 1,20,000 जो आपके आय प्रमाण पत्र में है जो पहले से बना हुआ उसमें जो भी है यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेंशन से आए अगर जो भी है यहाँ पे 00 कर देंगे। कृषि से आए अगर है तो यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो 00 कर देंगे। उसके बाद वार्षिक आय यहाँ पे जो यहाँ पे आप टाइप करेंगे व्यवसाय से आए वो यहाँ पे ऑटोमेटिक वार्षिक आय में आ जाएगा, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, देख सकते हैं 2 नंबर में, क्या आप भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो विगत 3 वर्षों का रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें, अगर है तो यह हाँ करेंगे, नहीं तो इसमें नहीं पे टिक करेंगे। सिंपली से आपको नहीं पे टिक आउट कर लेना, ओके। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं संलग्न यानी कि अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट आप लोग क्या क्या यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे शपथ पत्र जो है वहाँ पे टिक आउट रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको शपथ पत्र एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए को लगेगा ही, ओके। शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं शपथ पत्र। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आवासीय पे टिक आउट कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो जाति है यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे, आय है आय पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी टिक आउट कर लेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है, इस तरह से पूरा टिक आउट कर लेना है जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। इस तरह से कर लेना, ओके। तो सिंपली सबको सब पे टिक आउट करते हुए आगे आना है, आगे आने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक आउट रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देख सकते फ्रेंड्स आपके सामने आपका सारा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी डिटेल्स आप लोग फिलअप किए हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स आप फिलअप किए हैं वो सारा डिटेल्स सही है या नहीं, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके सामने देख सकते फ्रेंड्स इस तरह से आपके सामने एनश्योर का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है, अटैच एनश्योर पे क्लिक करना, ओके। अगर इसमें कोई भी गलती हो चुका है तो आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे अटैच एनश्योर पे क्लिक कर
करता हूँ, तो चलिए इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स शपथ पत्र, पहले यहाँ पे आपको शपथ पत्र अपलोड करना है जो कि मैं आप लोग को बारीकी से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे शपथ पत्र इसमें अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आवेदन का शपथ पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, सॉरी फ्रेंड्स आवेदक का शपथ पत्र यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आप लोग शपथ पत्र रखे हुए सेव करके यहाँ पे जैसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट यानी कि निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे चॉइस फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है सिंचित जमीन का प्रतिशत बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत, तो यहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं है। ओके फ्रेंड्स ये अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके सिर्फ आपको इसको यहाँ पे ब्लैंक ही रहने देंगे। ओके उसके बाद नीचे आएंगे दस्तावेज, दस्तावेज में क्या अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो भी है आपके पास वो यहाँ पे नीचे आएंगे। अगर आधार कार्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चॉइस फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। सारा चीज़ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, सेव एंड इंश्योर पे क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड इंश्योर पे क्लिक करता हूँ। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही सेव एंड इंश्योर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं आपको सिंपली से क्या करना, सबमिट पे क्लिक करना। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने एनसीएल सर्टिफिकेट का जो रिसीविंग है इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करके या सेव करके रख लेना पीडीएफ। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे भी क्लिक करके अपने फ़ोन में पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग अपने एनसीएल सर्टिफिकेट जो है सो मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।